मैं आज सभी लोग को जो जिन्हें प्रॉब्लम होती है मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो मैं आज उन्हें मेजरमेंट लेना बता दे रहा हूँ। आज से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देख रहे हो एक नंबर, ये मेजरमेंट का ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन जो लोहा लगा हुआ है ना, ये आखिरी पॉइंट किस नंबर पे टच हो रहा है वो नंबर आप लोग को मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से लेना, सबसे पहले लेना अपर चेस्ट साइड का आर्म, शर्ट ले उतार दिया इसने, और ये टी शर्ट के ऊपर ही ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें पूरे कपड़े उतारने पड़े। टी शर्ट शर्ट पहनकर भी मुझे वीडियो कॉल भी करोगे तो मैं जैसा बोलता जाऊंगा। और ये देखो लास्ट पॉइंट 27 पे टच हो रहा है, थोड़ा पास में लेके आना कैमरा, देखो और पास में लेके आना, ये 27 पे टच हो रहा है, तो यहाँ पर हमें अपर चेस्ट का नाम लिखना है 27। अब हम लेंगे एक पेन कॉपी, इसमें लिख अपर चेस्ट लिख 27। इसी प्रकार से अपर चेस्ट के बाद जस्ट टाइट लेना है, ठीक है ना, और फिर इसके बाद लेना है लोअर चेस्ट, तो इतना टाइट लेना कि हम उसे पहन सकें। लोअर चेस्ट 23, पास में करना कैमरा, ये देखिए लोअर चेस्ट 23, फ्रंट कैमरे में 23 समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो लोहा लगा है ना वो किस नंबर पे टच हो रहा है वो नंबर, ओके। इसके बाद बेली लेना है नाभि के पास, ये आ रहा है 20, ये भी 27 है बेली, हाँ। और इसके बाद लेना है सीधे कमर, जहाँ पर आप बेल्ट लगाते हो, है ना, तो अभी इसने ऑलरेडी बेल्ट लगाई हुई है, इतना मोटा नहीं लेना है, उसी हिसाब से थोड़ा और घटा के हम इसको भी 27 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मोटा है, कुछ पहना हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमें लेंथ लेना है, थोड़ा ऊपर तो बस इतना लेंथ लेना है, कंधे पे रखना है और जहाँ हम बेल्ट लगाते हैं वहाँ तक 18, ठीक है। इसके बाद लेना है आर्म होल, ये कंधे पे रखना है ऐसे, और इस तरीके से हमें लेना है आर्म होल, ये आ रहा है 13.5। गले का नाप लेने में सबको प्रॉब्लम होती है, तो गले का नाप इस तरीके से लेते हैं, सबसे पहले गला नापते हैं, 11 नंबर आ रहा है, और अब हमें कितना डीप रखना है गला वो हमें नापना है, जैसे हमें इतना रखना है, क्योंकि ये बहुत जो है इसकी, ये बहुत पतला दुबला है, स्लिम बॉडी है, इस वजह से इसका जो नाप ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं लेंथ 4, इसकी जो लेंथ ले रहे हैं वो 4 ले रहे हैं, लेकिन मेरे तरफ कैमरा करना, ये हो गई फिनिश। लेकिन यदि बॉडी थोड़ी जो थोड़ा मोटा है ना, 36-35 ऐसा, अगर 38-40 इस तरीके का अगर उनका ब्रेस्ट का साइज है, तो उन्हें जो लेंथ होगी ना वो कम रखनी होगी। अब उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ वो क्यों, क्योंकि जब ब्रेस्ट दबता है, मैं पूरा सीन करके बता रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं इस बात में, मैं जब ब्रेस्ट दबता है तो फैट जो होता है वो इधर से दिखने लगता है, और वो जो बीच की लाइन दिखने लगती है ना, इस वजह से जो मोटे लोग होते हैं जिनका साइज ज़्यादा होता है उनका गला छोटा रखना पड़ता है, लेकिन जो स्लिम बॉडी जैसे कि ये था, तो इसका हम गला डीप गला रख सकते हैं, इसको डीप गला रख सकते, ये आराम से रख सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो मोटे लोग होंगे वो डीप गला नहीं रख सकते, उनको छोटा ही रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ सब बोलते हैं मुझे सैंडविच स्टाइल में चाहिए, पतली पतली स्लीव चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप सैंडो स्टाइल में ले लो, काफ़ी ऑनलाइन भी मिलते हैं, पर वो सैंडो स्टाइल में रखने से आपका जो ब्रेस्ट है वो जो मोटा है ज़्यादा, जिसका ब्रेस्ट अलग अलग स्किन होती है, तो जब वो पतली सी स्लीव ऐसे दबते हुए जाएगी तो अलग से वो अगल बगल से ब्रेस्ट निकल आएगा, तो वो स्लिम रखने का कोई मतलब नहीं, इसलिए उसे जैकेट स्टाइल में बनाया जाता है, चौड़ी पट्टी और पूरा जैकेट जो कि यहाँ से कवर होता है। आप सैंडो स्टाइल में बनाने के सोचो कि यहाँ से खुला रहे तो वो यहाँ से ब्रेस्ट दबा और यहाँ से निकल आएगा, तो इस कारण से भी हम जो है उसे, मैं बहुत साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं बहुत सारे मेरे बाइंडर के केस भी पुराने समय में बिगड़े हैं, और मुझे फुल एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब हमें कैसा बाइंडर किसको देना है, किसकी बॉडी कैसी है। खासकर मैं सबको वीडियो कॉल करने के लिए इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि मैं उसको समझ पाता हूँ कि इसे किस टाइप का बाइंडर इसकी बॉडी के लिए सुटेबल होगा, तो ये कारण भी है। लेकिन अगर जिन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता है तो वो ये वीडियो देखकर भी मुझे मेजरमेंट दे सकते हैं।
ठीक है, और अपर चेस्ट लोअर चेस्ट बेली वेस्ट और लेंथ और आर्बुल इतना भी दे दोगे तब भी मैं आपकी आपका मेजरमेंट सही तरीके से बना के आपका बाइंडर रेडी कर दूंगा। ओके ओके।